सीनियर किचन में आपका स्वागत है। चलिए बनाते हैं। देखिए मैंने इसको धुल के अब वॉश करके रखा था। अब देखिए बिल्कुल भरभरा हो गया ये बिल्कुल दाल। अब हम इसको एक फ्राई पैन रखेंगे, उसमें बिना तेल के बिना घी के ही इसको भूनेंगे अच्छे से ब्राउन होने तक का। तो चलिए इसको हम भूनते हैं। मेरा फ्राई पैन गर्म हो गया है। अब हमें इसे ऐसे करके ही बिना घी बिना तेल के ही इसको भूनना है। और जब ये ब्राउन हो जाएगा बिल्कुल, तब हम इसको उतारेंगे। जितना ब्राउन होगा उस हिसाब से मैं आपको दिखाती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो अब इसको मैं भूनना शुरू हुआ ये। और जैसे जैसे हम भूनते रहेंगे वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता रहेगा। देखिए अब ये दाल भून गया है। कुछ भुनने के बाद दाल इस तरीके से हो गया है। और देखिए इसमें आवाज़ आ रही है आपको बिल्कुल खन खन की। अब बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, तब मिक्सी जार में डाल के इसको हम पीसेंगे। इसको हम दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा बिल्कुल बारीक भी नहीं करना है। देखिए आपको दिख रहा ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। और मीडियम फ्लेम पे ही, गर्म होने के बाद ये जब चटकने लगेगा तो आपको धीमी आँच पे ही नॉर्मल इसको इसकी सिकाई करनी है। ज़्यादा तेज़ पे नहीं करना है, नहीं तो कुछ दाल ज़्यादा पक जाएगी और कुछ दाल कम पकेगी। तो इसी तरीके से आपको भूनना है। चलिए अब हम गैस को बंद करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको पीसा है, बिल्कुल ऐसे ही पीसना है आपको भी दरदरे में। ये देखिए दरदरा दरदरा दिख रहा है इसके अंदर, तो ऐसे ही हमें पीसना है। अब चलिए हम इसे बनाते हैं हलवा। और ये ठंडा करने के बाद ही आप पीसिएगा मिक्सी जार में, नहीं तो इसमें गैस बन जाएगी। डालेंगे एक चम्मच सूजी और एक चम्मच बेसन, इन दोनों को मिला के ही हम भूनेंगे। पहले तो घी में, अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच घी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालने के लिए, भूनेंगे। वैसे तो आप चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं ड्राई फ्रूट डालें आप इसमें, क्योंकि इसका हलवा तो मूंग दाल का हलवा बिना ड्राई फ्रूट के भी अच्छा लगता है। निकाल लिया है। अब बेसन और जो हमने वो सूजी लिया था इसको अच्छे से भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही गैस को रखेंगे। हमारा भून गया बेसन भी और सूजी भी। हम इसमें ये सारी दाल डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम और इसमें घी डालेंगे। पहले हम इसको अच्छे से चलाएंगे। देखिए इस तरीके से ये लग रहा है। अभी हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे, इसलिए ब्राउन करेंगे क्योंकि इसमें हम जब दूध डालेंगे तो कलर चेंज होगा। फिर उसके बाद हम चीनी डालेंगे तब भी कलर चेंज होगा, इसलिए अभी थोड़ा सा हम और इसको प्रॉपर तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा और घी डालेंगे। कितना अच्छा ये ब्राउन हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट जैसा ब्राउन चाहिए वैसा हो गया ये। अब इसमें हम और घी डालेंगे। मूंग दाल में घी अच्छा ही पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा ही डाल के घी बनाएंगे हम इसको। देखिए बिल्कुल प्रॉपर भून गया है और इतना घी हमने डाला है। आप चाहे तो और भी थोड़ा बहुत घी डालना चाहते हैं, ज़्यादा ऑयल खाना चाहते हैं तो घी डाल सकते हैं, पर मेरे लिए ठीक है। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी डालूँगी। तो देखिए कितना अच्छा इसके, अब ये अच्छे से इसमें बिल्कुल फूल गया। अब हम इसमें डालेंगे डेढ़ गिलास दूध। अब हम इसमें डालेंगे डेढ़ गिलास दूध, सिर्फ थोड़ा सा कम है ये दूध। अब अच्छे से हम इसको मिलाएंगे। हमारा ये 250 ग्राम में हमारा ये जो सामग्री थी 250 ग्राम की थी मूंग दाल। अब मैं इसमें 300 ग्राम चीनी डालूंगी। और चीनी को हम दो हिस्से में डालेंगे, पहले थोड़ा डालेंगे आधा, फिर आधा हम बाद में डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। चीनी डालने के बाद ये गीला हो गया थोड़ा सा। अब हम जो बचा हुआ चीनी था वो भी हम इसमें अब डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिलाएंगे। अब दो चम्मच भी हम और डालेंगे इसमें, डाल देंगे फ्रूट कलर जो मिठाई में यूज़ होता है ना, वही कलर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए जो हलवाई लोग डालते हैं। फिर इससे मिलाते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, फिर अपने आप इसका कलर आ जाएगा। हमने मावे का यूज़ नहीं किया है। अगर आप मावा यूज़ करते हैं तो आपको दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये पानी में भी बन सकता है और पानी में भी बहुत अच्छा ये हलवा बनता है। और मीठा ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने डाला है उतना ही आप डालें, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पर इसको इतना भूनना है कि ये अपना आप ही
थोड़ा बहुत तेल छोड़ने लगेगा कढ़ाई में इकट्ठे होने, तभी आपका ये परफेक्ट हलवा बन के तैयार होगा। ऐसे अच्छे से मिलाएंगे, होना ये शुरू, हलवा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये देखिए, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन बनता बहुत बढ़िया है ये। ऐसे ही आप चलाते रहिए, इसको घूमते रहिए। कुछ इस तरीके से ये हो गया है हलवा हमारा बनके, और कलर भी चेंज हो गया है, तेल छोड़ दिया है। और गाइस बस खाली इसलिए बस ये बना सकते हैं, मेहनत दोनों में सेम ही लगता है। बस खाली ये है कि हम भिगोना भूल जाते हैं, टाइम नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे ही बनाने के लिए बन सकता है ये हलवा। सर्व करते हैं। और तो देखिए, ये हमारा हलवा बनके कंप्लीट तैयार हो गया मूंग दाल का। और आप भी बनाइए घर में और खाइए, और बताइएगा कैसा बनाया आप लोगों ने। तो देखिए, हलवा बनके तैयार हो गया, और खाइए, एंजॉय कीजिए, और लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।